और आज पच्चीसवीं थे। अब तक आपने चौबीस पारों की तफसीर सुनी है अब चूंकि मेरे पास सिर्फ तीन दिन का वक्त है तो इंशाला आज हम पच्चीसवें और छब्बीसवें दो पारे की तफसीर पेश करने की इंशाला से हासिल करेंगे उसके बाद कल दो पारे की सत्ताईस अट्ठाईस और परसों इंशाला हम इस तफसीरी सिलसिले का अख्ताम करेंगे इन पच्चीसवें पारे की शुरुआत में अल्लाह तबारक वाल अपने इल्म का तस्करा करता है इले ही यद इम्स कयामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है कयामत कब आएगी इसका एग्जैक्ट इलम्ला तबारक को है इसीलिए आप देखिए कि हजरत अलैहिस्सलाम एक मरतबा इंसानी शक्ल में अल्लाह के तो नबी के पास आए थे बहुत मशहूर हदीस है मुस्लिम शरीफ की तो हजरत अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे सवाल किए थे अल्लाह के नबी से उसमें एक सवाल उन्होंने यह किया था कि कयामत कब आएगी तो नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसाइलू मल अनहा भी आलम पूछने वाले से ज्यादा जिससे पूछा जा रहा है वो नहीं जानता है यानी जितना तुम जानते हो उतना मैं जानता हूं कयामत के बारे में जितना तुम्हें मालूम है उतना मुझे मालूम है तो इलई ही यूरत कयामत का इल्म अल्लाह को है وما تحمل من उनसा वला तजो इला बिलमी अनाज की बालियों में से जो अनाज निकलते हैं और औरत के पेट में जो हमल ठहरता है और फिर वो जो औरत जिस बच्चे को जन्म देती है इन तमाम बातों का भी अल्लाह तबारक तआला को है यहां अल्लाह तबारक तआला ने कयामत के ऊपर एक अकली दलील दी है बालियों के अंदर बाली अगर है तो दाना मौजूद है अगर हमल है तो इसका मतलब कि बच्चा बरामद होगा इसी तरीके से ये कायनात अगर है तो एक दिन इस कायनात के पेट से कयामत निकलेगी कयामत बरामद होगी कयामत होगी इसीलिए आप देखिए कि कयामत के जिक्र के साथ अनाज और बाली का जिक्र किया है और कयामत के जिक्र के साथ अल्लाह तबारक पताला ने औरत के हमल का जिक्र किया और इसीलिए कुरान हकीम में अल्लाह तबारक पताला ने दूसरे मकाम का पर, मकाम पर कहा कि सकुलत फिस समावाती वलर्स कयामत जो है ये जमीन और आसमान का हमल है जमीन और आसमान के अंदर से कयामत ऐसे ही निकलेगी जैसे हमल पूरा होने के बाद बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद अल्लाह तबारक वाला ने कायनात के अंदर अपनी निशानियों का जिक्र किया है फरमाया सनोरी हिमाया ना फिल आफा वफी अनफुम मेरे बंदो हम तुम्हें इस कायनात के अंदर इस यूनिवर्स के अंदर इस दुनिया के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे सनोरी हिमाती फिल आफाक जैसे, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता चला जाएगा दुनिया तरक्की करती चली जाएगी साइंस और टेक्नोलॉजी में लोग आते आगे होते चले जाएंगे हम कायनात के अंदर अपनी निशानियों को और ज्यादा दिखाते चले जाएंगे कुरान ने चौदह सौ साल पहले कहा कि इंसानों के अमल तोले जाएंगे अरे अमल कैसे तोला जाएगा अमल तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो नजर आए मगर आज टेम्परेचर को नापने के लिए मशीनें बन गई कि नहीं बन गई जलजले को नापने के लिए मशीनें बन गई कि नहीं बन गई बहुत सारी ऐसी चीजों को आज नापा जा रहा है जो नजर नहीं आती जो महसूस नहीं होती कुरान हकीम एक ऐसी किताब है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करेगी इसकी सच्चाई की निशानियां अल्लाह तबारक बताया दिन ब दिन सामने लाता चला जाएगा एम्ब्रियोलॉजी जमीन बच्चे की पैदाइश का इल्म, ये बीसवीं सदी में डेवलप हुआ है आज जाकर डॉक्टरों को पता चला है कि बच्चों के पेट में ए, मां के पेट में बच्चा कौन कौन से स्टेज से गुजरता है कुरानी हकीम ने 1400 साल पहले जो जो बातें बताई थी कि मां के पेट में जो जो स्टेज आते हैं आज एम्ब्रियोलॉजी के जो माहरीन डॉक्टर हैं दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि कुरान 1400 साल पहले उतरा न तो ये रिसर्च थी ना ये टेक्नोलॉजी थी ना उतने करीब से बच्चे को चेक करने की तमाम चीजें थी मशीनें थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिर ये बताया किसने कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने बताया सनोरी फिल आफाक हम अपने नबी को कयामत की हम अपने नबी को कायनात के अंदर बहुत सारी निशानियां दिखाएंगे हम अपने नबी के जरिए कुरान के जरिए मेरे बंदों हम तुम्हें दिन ब दिन इस कायनात के अंदर इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी निशानियां दिखाएंगे वफी अनफु और अगर तुम अपने ऊपर गौर करोगे अपनी बॉडी के ऊपर गौर करोगे अपने अपने अंदर भी अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हारे अंदर भी हम बहुत सारी निशानियां तुमको दिखाएंगे हतायन लहुमुल और एक दिन तुम्हें भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि हां ये कुरान अल्लाह का कलाम है उसके बाद अल्लाह तबारक वाले ने दुनिया और आखिरत को खेती कहा मन का न यूरी दुहरसल आखिरा नजीद लहू फी हर सिंह वमन का नर सद दुनिया من मिनाहा मेरे बंदो देखो दुनिया में दो तरीके के लोग हैं एक जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ दुनिया है और एक वो है जो दुनिया में जिंदगी तो गुजारते हैं दुनिया के हकूक तो अदा करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी का टारगेट आखिरत है अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो दोनों खेती कर रहे हैं खेती कर रहे हैं दोनों मन काना यूरी दुला खीरा जो आखिरत की खेती कर रहा है जो नेक अमल करके कल आखिरत में अपनी खेती को पाना चाहता है अपना बीज बो के उसका फल पाना चाहता है बीज बो के उसका मेवा हासिल करना चाहता है अल्लाह फरमाता है नजीद लहूफी हर से ही हम उसकी खेती में बरकत देंगे वो एक नेकी करेगा हम दस गुना से लेके सात सौ गुना तक बदला देंगे हम उसकी खेती में बहुत इजाफा करेंगे वमन का नूरी दो हर सद दुनिया लेकिन जो सिर्फ दुनिया ही को अपना टारगेट बना लेगा जो दुनिया ही के लिए दौड़ धूप करेगा सारी स्ट्रगल सारी मेहनत सारी एनर्जी वो दुनिया के ऊपर लगाएगा तो कान खोल कर सुन लो मेरे बंदो ही मिन्हा, हम दुनिया तो देंगे मगर उतनी नहीं देंगे जितनी तुम तो मेहनत कर रहे हो दुनिया हम उतनी देंगे जितनी हम चाहते हैं आखरत तो हम बेहिसाब देंगे लेकिन तुम दुनिया ही के लिए जब सिर्फ मेहनत करोगे तो अल्लाह फरमा रहा है कि हम दुनिया उतनी ही देंगे जितनी हम चाहते हैं जितनी तुम चाहते उतनी दुनिया हम नहीं देंगे वमा लहू मिन नसीब और दूसरा नुकसान ये होगा कि जिनकी नजरें सिर्फ दुनिया ही के ऊपर लगी रहेंगी जो सिर्फ दुनिया ही के लिए मेहनत करेंगे वह फिल में नसीब उनको आखिरत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है आखिरत में उनके हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है मेरे भाइयों आखिरत की फिक्र को अपने दिलो दिमाग में पैदा कीजिए ताकि कल आखिरत में हमें और आपको शर्मिंदा होना ना पड़े उसके बाद बहुत बड़ी हकीकत और सच्चाई बताई गई फरमाया वमा असाबकुम असाबकुमुसीबत इन फी कसबत अम मेरे बंदो तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंचती है जो भी मुसीबतें पहुंचती है जो भी परेशानियां पहुंचती हैं फिर माँ कसबत आई दी कुम वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है या अन कसीर अल्लाह तो बहुत सारी तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल देता है बहुत सारे तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता है अगर अल्लाह तुम्हारे हर गुना की सजा देने लगे तो तुम एक मिनट के लिए जमीन पर नहीं रह पाओगे बहुत सारे गुनाहों को वो माफ कर देता है और बाकी जितनी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है अपने हाथों की कमाई का नतीजा एक इस आयत का एक मतलब तो ये है और इस आयत का दूसरा मतलब भी है कि ये आयत ईमान वालों के लिए है। जो मतलब अभी मैंने बताया तो सबके लिए कॉमन है कि जो भी परेशानी आती है वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है और इस आयत को हम सिर्फ ईमान वालों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वमा वा तुम्हारे ऊपर जो भी तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती है मुसीबतें आती हैं, मुसीबते है, वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का नतीजा है यानी एक मोमिन के ऊपर जब कोई बीमारी आती है कोई तकलीफ आती है कोई टेंशन आती है तो अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि उस मोमिन के गुनाहों का कफारा बन जाती है उसकी जिंदगी में जो गुनाह होते हैं अल्लाह तबारक बता उन परेशानियों के जरिए उन आजमाइशों के जरिए उसकी उन गुनाहों को माफ कर देता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु नबीस फरमाते बुखारी की रिवायत है मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है जो भी टेंशन होती है जो भी उसके दिमाग पर प्रेशर आता है जो भी उसके बदन में चोट पहुंचती है यहां तक कि अगर एक कांटा भी चुभता है शौकति अल्लाह के नबी फरमाते कि अगर एक कांटा भी चुभता है इल्ला कफर अल्लाह बिहार हो अल्लाह तबारक तआला उसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता है तो अल्लाह यह कह रहा है कि मेरे मोमिन बंदो तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती उसको अपने लिए परेशानी मत समझो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उन तकलीफों और बीमारियों के बदले अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है व याफू अन कसीर और बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह यूं ही माफ कर देता है उसके बाद एक आयत है जिससे शिया हजरात अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं कुल्ला कुम अली अजरा नबी आप कह दीजिए कि मैं तुमको जो दावत दे रहा हूं जो इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहा हूं मैं इस पैगाम और इस दावत के ऊपर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता हूं कुरबा हां रिश्तेदारी की मोहब्बत तुमसे मांगता हूं इल्ल फिल कुरबा रिश्तेदारी की मोहब्बत तुमसे मांगता हूं शिया हजरत क्या बोलते हैं कि इस आयत में अल्लाह के नबी अहले बैत की मोहब्बत की बात कर रहे हैं और शिया हजरत के नजदीक अहले बैत कौन कौन है सिर्फ चार लोग हैं अहले बैत नबी के अलावा सिर्फ चार लोग नबी के अहले बैत में शामिल हैं हजरत अली हजरत फातिमा हजरत हसन और हजरत हुसैन और अल्लाह के नबी के साथ इन चारों लोगों को मिला करके पंजतन पाक भी कहते हैं इन पांचों का जो मकाम और मर्तबा है सर आंखों पर है हजरत अली रजियाल्ला का पूरा एहतराम हमारे दिल में है हजरत फातिमा तमाम औरतों की सरदार है नबी के कलेजे का टुकड़ा है कोई शक नहीं हजरत हसन रजी अल्लाह तु नबी के बड़े नवासे हैं कोई शक नहीं है अल्लाह के नबी के बड़े लाडले नवासे सैदना हुसैन रजी अल्लाह तुम नबी के बहुत ही महबूब नवासे इन सबसे हमें मोहब्बत है मगर अहले बैत सिर्फ यही लोग नहीं है मैंने बताया था आपको बाईसवें पारे की तबसे में कि जब दुनिया में हम कहते हैं कि फला आदमी की फैमिली तो फैमिली में सबसे पहले तो बीवियां आती है ना बीवी और बच्चे आते हैं सबसे पहले और नबी की फैमिली का जिक्र आए नबी के अहले बैत का जिक्र आए तो नबी की बीवियों को ही निकाल दिया जाए ये कहां का इंसाफ है इसीलिए आप देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ने नबी के अहले बैत का जहां पर भी लफ्ज इस्तेमाल किया है तो वहां पर उससे मुराद नबी की बीवियां बाईसवें पारे में भी आपने देखा कि बाईसवें पारे के शुरुआत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की बीवियों को कुछ अहकामा दी कुछ तालीमात दी कुछ संदेश दिया कुछ पैगाम दिया और आखिर में फरमाया इन नमा यू रीदुल्ला बान अहलल रिजसा आहल कुम तीरा ए नबी की घर वाली हो नबी की फैमिली के लोगों अय नबी के अहले बैत अल्लाह ताला ये तालीमात देकर ये बातें बताकर तुम्हें पाक और साफ करना चाहता है तुम्हारे घर के अंदर से हर तरीके की गंदगी को निकालना चाहता है तो नबी के अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां शामिल हैं और ये लोग भी शामिल हैं मगर यहां इस आयत में अहल बैत का जिक्र नहीं है क्योंकि ये आयत सुरे शूरा की है और सुर शूरा मक्के में नाजिल हुई है सूर्य शूरा मक्के में नाजिल हुई है और मक्के में अभी हजरत अली और हजरत फातिमा की तो शादी भी नहीं हुई है अभी हजरत हसन और हुसैन पैदा भी नहीं हुए हैं तो शिया हजरात का इस आयत करीमा से इस्तेदलाल करना गलत है इस आयत में कहा क्या जा रहा है ये आयत मक्की है अल्लाह के नबी मक्का के मुशरिकों से कह रहे हैं कि आये मक्का के काफिरों, मैं तुम्हें जो दिन की दावत पहुंचा रहा हूं तो मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रहा हूं कोई उजरत नहीं मांग रहा हूं हां इल्ल मोहद फिल कुर्बा ठीक है तुम मेरी बात नहीं मानते मेरी मेरा दिन कबूल नहीं करते मत करो कम से कम तकलीफ तो मत पहुंचाओ कम से कम सताओ तो मत कम से कम मेरे रास्ते में कांटे तो मत बिछाओ फिल मफिल मैं हूं तो तुम्हारा रिश्तेदार ना मैं हूं तो तुम्हारे कबीले का ना मैं हूं तो तुम्हारे खानदान का ना कम से कम इस रिश्तेदारी का ख्याल करो मुझे तकलीफ यह है इस आयत का सही मतलब उसके बाद अल्लाह आखिरत और दुनिया दोनों का कंपैरिजन किया है फमाऊती तुम मिन शई मेरे बंदो तुम्हें दुनिया में कुछ भी मिल जाए जो भी दे दिया जाए करोड़पति बन जाओ अरबपति बन जाओ फमाऊती तुम शई इन फमता उल हयाती दुनिया तुम्हें दुनिया में जो कुछ भी दिया जा रहा है ये तो दुनिया की चंद दिनों की चका चौद है ये दुनिया की चंद दिनों की चमक है क्या है ये बहुत पैसा है बहुत दौलत है बड़ी बिल्डिंगे हैं कितने दिनों के लिए एक दिन ऐसा आएगा सारी दौलत दूसरों की हो जाएगी खाली हाथ जैसे मां के पेट से खाली हाथ आए थे दुनिया से जा भी रहे खाली हाथ करोड़ों की प्रॉपर्टी है दफन कहां हो रहे हैं दो गज जमीन के अंदर फोर व्हीलर से घूमने वाले चार लोगों के कंधे पे जा रहे हैं बाथरूम के अंदर एक एक घंटा नहाने वाले इतने मजबूर और बेबस हैं कि दूसरे उनको नहला रहे हैं जो कल अपने फेवरे, फेवरेट शैंपू से फेवरेट फेस वॉश से फेवरेट साबुन से और हर चीज हर चीज में ब्रांड चलता था आज उसके कफन का कोई ब्रांड नहीं ये इंसान की जिंदगी न यहां की दौलत की कोई गारंटी है ना यहां की इज्जत की कोई गारंटी है ना यहां की शोहरत की कोई गारंटी है। हर चीज तो वक्ती है आर्जी है टेम्परली है कब खत्म हो जाए जिंदगी की चार्जिंग कोई भरोसा नहीं फमाऊती तुम मेरे बंदो दुनिया में तुमको कुछ भी अगर दे दिया जाए तो धोखा न खाना फमताउल हयात दुनिया दुनिया में तुम्हें जो भी दिया जा रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से बस थोड़े दिनों तक फायदा उठाने के लिए दिया जा रहा है मा इंद और इसके मुकाबले में ताला ने अपने पास जो तुम्हारे लिए रखा है खैर उन वह बेहतर है वह अब का और बाकी रहने वाला है दुनिया बेहतर भी नहीं है दुनिया तो जन्नत के मुकाबले में कूड़ा भी नहीं है दुनिया की औकात तो जन्नत के मुकाबले में और अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में कूड़ा भी नहीं है अल्लाह फरमा रहा है आखिरत इससे बेहतर है और इससे बाकी रहने वाली है मगर आखिरत किसको मिलेगी जिसके अंदर नौ चीजें पैदा हो जाए वमा ही खैरू वह अबका आखरत में अल्लाह ताला ने नेमतें रखी मगर किसके लिए नौ चीजें अपने अंदर पैदा कर लो अल्लाह कह रहा है कि हम आखरत दे देंगे कौन कौन सी नौ चीजें सुनिए लिल् लजीना आमनु पहली चीज अपने अंदर ईमान पैदा करो अल्लाह ताला के ऊपर मजबूत ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर भरोसा दूसरी चीज अला रबियतवलूल और दूसरी चीज अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा भरोसा का मतलब समझते हैं हम लोग बोलते हैं कि हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है बोलना आसान है मगर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने अकीदे की हिफाजत करना अपने ईमान की हिफाजत करना अपने आप को किसी और तरफ डाइवर्ट ना करना यह है ईमान और यह है अल्लाह की जात पर भरोसा इंसान जरा सी आजमाइश और परेशानी आती है डाइवर्ट हो जाता है गलत रास्तों पर चला जाता है तो अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नत अगर हासिल करना है आखरत की नेमतें हासिल करना है तो दूसरी चीज तुम्हें अपने अंदर यह पैदा करनी है कि अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए और तीसरी इस्मी फवाहिशा बड़े बड़े गुनाहों से बचना है बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं जिना से बचते हैं चोरी से बचते हैं झूठ से बचते हैं कत्ल से बचते हैं हराम कामों से बचते हैं सूद से बचते हैं जो बड़े बड़े गुना हैं शरीयत की नजर में उन तमाम गुनाहों से बचते हैं वलफवाहिशा और गंदे कामों से भी बचते हैं तमाम बदकारी के जितने काम है और बदकारी तक लेकर जाने वाले जितने काम उन तमाम कामों से बचते हैं और क्या करते हैं वह यगफिरून और मेरे जन्नती बंदे वो हैं कि जब उनको गुस्सा आ जाता है किसी पर नाराज हो जाते हैं किसी पर गुस्सा करते हैं तो फौरन अपने आप को कंट्रोल कर दे कर लेते हैं सामने वाले को माफ कर दिया करते हैं गुस्सा आने पर अपने गुस्से का रिएक्शन नहीं करते बल्कि गुस्से को पी जाते हैं कंट्रोल कर लेते हैं सामने को सामने वाले को माफ कर देते हैं लजीन भूल रबही और अपने रब की हर दावत पर लबे कहते हैं अल्लाह ताला जब जब उनसे जो जो मुतालबा करता है जो भी हुक्म देता है पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं वह अकाम की पाबंदी करते हैं वह अमरुहम शूरा बई और मेरे जन्नती बंदे वो हैं जो आपस के काम मशवरे से करते हैं यह भी एक खास बात बताई गई ईमान वाले डिक्टेटर नहीं होते चाहे उनका घरेलू मामला हो चाहे सोशल मामला हो चाहे दीनी मामला हो उनके कामों में मशवरा होता है और क्या करते हैं वमिमा रजकना और हमने जो रोजी दी है उसमें से खर्च करते हैं। और क्या करते हैं इजा असाब हुमुल हुम तसरून अगर कोई उनके ऊपर ज्यादती करता है जुल्म करता है तो ज्यादा से ज्यादा बदला ले लेते हैं किसास ले लेते हैं अगर उन्हें उनके ऊपर किसी ने कोई जुल्म कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा बस कैसास ले, ले लेंगे बराबरी का हक जो है वो ले, ले लेंगे या वो भी माफ कर देंगे ज्यादा कभी नहीं करते दुनिया का मिजाज क्या है ईट का जवाब पत्थर से दो लेकिन वो ऐसा नहीं करते ईट का जवाब पत्थर से नहीं देते उनके ऊपर अगर ज्यादा होती भी है तो माफ कर देते हैं दरगुजर कर देते हैं उसके बाद कयामत के दिन का जिक्र किया गया और एक अजीब बात बताई गई कयामत के बारे में फरमाया कि अल अल्लाउिन अदू दुनिया में गहरे दोस्त थे जिगरी दोस्त थे साथ में बैठते थे साथ में हरीस खाते थे साथ में चाय पीते थे साथ में टलते थे घूमते थे जोड़ी मशहूर थी ये दोनों की जोड़ी है अखिल्ला खलील थे खलील का मतलब समझते हैं खलील का मतलब अल्लाह का गहरा दोस्त इसलिए इब्राहिम को अल्लाह का खलील कहा जाता है तो हमारा एक दोस्त होता है और एक होता है खलील खलील कौन होता है जिसके बगैर चैन ना मिले तो दुनिया में जो एक दूसरे के खलील थे दोस्त थे एक दूसरे के बगैर चैन नहीं मिलता था अल्लाह फरमा रहा है अल इज़िन बाज़हुम कयामत के दिन एक दूसरे को देख के मुंह फेर लेंगे बात नहीं करेंगे कोई रिश्ता नहीं कोई ताल्लुक नहीं एक दूसरे के दुश्मन जैसे दुश्मन दुश्मन को देख के पीट फेर के भागता है गहरा दोस्त अपने दोस्त को देख कर भागेगा हां मुत्तकीन मुत्तकी लोग ऐसा नहीं करेंगे मुत्तकी जो दुनिया में मुत्तकी होंगे वो वहां भी एक दूसरे के काम आएंगे वो वहां भी एक दूसरे के हक में सिफारिश करेंगे अये अल्लाह ये मेरा दोस्त है अल्लाह इसको छोड़ दे अल्लाह इसको छोड़ दे इसके साथ नरमी कर दे आसानी कर दे वहां अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करेंगे कौन लोग मुत्तकी लोग नुक्ता ये मिला कि दुनिया में खलील बनाओ तो मुत्तकी लोगों को बनाओ दोस्त बनाओ तो मुत्तकी लोगों को बनाओ ताकि यहां काम आए चाहे ना आए वहां काम आए ये नुकता मिला हम लोग दोस्ती में क्या देखते हैं बिजनेस पैसा बराबर का है कि नहीं खानदान और बिरादरी के एतबार से लेवल का है कि नहीं मिजाज हमसे मिलता है कि नहीं कौन देखता है कि मुत्तकी को दोस्त बनाए को कौन देखता है दोस्त कोई मुत्तकी है भी और हमसे गरीब है तो बेचारा सलाम भी करता तो हम दूर से है जुड़ा मुत्तकी मुत्तकी मतलब मतलब कि कि है मुत्तकी। जो इस्लाम से जुड़ा है जो, जो बज़ाहिर अल्लाह डरता है वो मुत्तकी है बाकी दिल का मामला अल्लाह के हवाले किसके दिल में कितना तकवा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद के सिलसिले में एक अजीब बात कही कहा लाही मुल्कुस समावाती ज़मीन और आसमान की सल्तनत अल्लाह ताला के हाथ में यखलुकु मा यशा पूरी कायनात का क्रिएशन करने वाला अल्लाह है पूरी कायनात का निर्माता अल्लाह है सृष्टि करने वाला सृष्टा है रचनाकार अल्लाह है उसकी जो मर्जी होती है वो बनाता है यख लुकमा यशा यह बोली मं यशा उ जिसको चाहता है लड़की ही लड़की देता है कुछ लोग होते हैं कितनी लड़कियां है? ग्यारह लड़कियां हैं बोली साहब लड़का नहीं है दुआ कीजिए सिर्फ लड़कियां हैं है। यह बोली मं यशा उ अच्छा कितने लोग ऐसे यहां बैठे हैं जिनकी पहली औलाद लड़की है जरा हाथ उठाएं पहली औलाद जिनकी लड़की है माशाला अच्छी तादाद है जानते हैं अभी मैं एक नुकता बताऊंगा जितने लोगों ने हाथ उठाया है इनके हक में एक बहुत बड़ी बशारत मैं देने जा रहा हूं पहले सुनिए आए यह बोले मैं सा। जिसे अल्लाह ताला चाहता है लड़की ही लड़की देता है वह यह बोले मैं उस जुकुर और जिसको चाहता है लड़के ही लड़के देता है कुछ ऐसे है बेचारे अल्लाह से लड़की मांगते कि अल्लाह मेरी बीवी बेचारी पचास साल की होगी खट रही है कोई लड़की दे दे उसके साथ थोड़ा सा हेल्प करे उसकी कुछ लोग लड़की मांगते हैं अच्छा उनको सिर्फ लड़का मिल रहा है और कुछ लोगों की फैमिली में लड़के लड़की दोनों मिल जाते हैं अल्लाह लड़के भी दे रहा है लड़कियां भी दे रहा है और चौथी शक्ल यह है कि अल्लाह न लड़का दे रहा है न लड़की दे रहा है यह चौथी शक्ल है कि आदमी बेचारा परेशान है दुआएं कर रहा है लेकिन औलाद नहीं मिल रही है तो चार शक्लें हो गई लड़की ही लड़की देता है लड़का ही लड़का देता है दोनों देता है और कुछ नहीं देता है ये चार शक्लें हैं लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला ने लड़की वालों का जिक्र किया है इससे नुकता ये मिला कि जिसको पहली औलाद लड़की मिले वो मुबारक होती है बरकत वाली होती है पहली औलाद अगर लड़की हुई है तो ये बरकत की चीज है कुछ लोगों की नजर में लड़कियां बोझ होती हैं लड़की पैदा होती है माथे पे बल पड़ जाते हैं और अगर लड़की पर लड़की लड़की बेटी पर बेटी ही मिलती चली जाए तो सऊदी अरब का एक वाकया मैंने वहां के एक राइटर हैं रहने वाले तो पाकिस्तान के हैं सऊदी अरब में रहते हैं मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब रियाज में रहते हैं वो उन्होंने अपनी एक किताब में एक वाकया नकल किया है सऊदी अरब का एक आदमी को अल्लाह ताला ने लगातार छह लड़कियां देती कितनी छह लड़कियां अब हर बार वो बेचारा तमन्ना करता था कि लड़का हो जाए नरसा के कहती थी लड़की हुई है, लड़की हुई है, लड़की हुई है। छह लड़कियां हो गई सातवीं बार जब उसके घर में उनकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा अगर इस बार तूने लड़की को जन्म दिया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा अब देखिए कितनी बड़ी जिहालत है लड़की देना या लड़का देना यह अल्लाह ताला का काम है कि औरत का काम है उसने अपनी बीवी से कहा कि अब तुझे सातवीं बार लड़की हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा अब बीवी बेचारी परेशान रात को उठ उठ के दुआ करती कि अल्लाह लड़की अगर इस बार हुई तो मेरा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अल्लाह इस बार तू लड़की मत देना वो तो बेचारी दुआ कर रही है अल्लाह से अब वो आदमी जो है वो एक दिन खाब देखता है सपना देखता है क्या देखता है खाब में ख्वाब में ये देखता है कि कयामत हो चुकी है और मेरे हक में यह फैसला हो चुका है कि मुझे जहन्नम में लेके जाया जा रहा है जहन्नम में फरिश्ते मुझे पकड़ के लेकर जा रहे हैं और जहन्नम के गेट तक लेके गए हैं जैसे ही फरिश्ते मुझे जहन्नम के पहले गेट पर लेकर गए जहन्नम के कितने गेट है मालूम है सब आत हुआ अब सात दरवाजे जहन्नम के पहले गेट पर पहुंचा फरिश्ते मुझे जहन्नम में डालने लगे तभी अचानक मेरी सबसे पहली वाली सबसे बड़ी लड़की आ जाती है अल्लाह ये मेरा बाप है इसने बड़ी मोहब्बतों से मुझे पाला था पोसा था बड़े प्यार और लाड से मेरी तरबियत की थी अल्लाह इसने मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं की थी अये अल्लाह तू मेरे बाप को जहन्नम में ना डाल लड़की अल्लाह ताला से फरियाद करती है सिफारिश करती है अल्लाह तबारक वाली लड़की की सिफारिश को कबूल कर लेता है वो आदमी ख्वाब में देख रहा है कि अल्लाह तबारक वाल लड़की की उस फरियाद को सुन लेता है और जहन्नम के पहले दरवाजे से बचा लिया जाता है अब फरिश्ते उसको लेके दूसरे जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचे वहां पे दूसरी लड़की मौजूद है वो अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह ये मेरा बाप है बड़ी मोहब्बतों से इसने पाला है अल्लाह इसको तो जहन्नम में ना डाल वहां भी बचा लिया जाता है अल अलगर्ज तीसरे पर तीसरी बेटी चौथे दरवाजे पर चौथी बेटी पांचवें पर पांचवी बेटी और छठे दरवाजे पर सबसे छोटी वाली लड़की उसके हक में दुआ करके बचा लेती सातवें दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां कोई लड़की नहीं अब फरिश्ते इसको पकड़ के ढकेलते हैं जहन्नम में ये जोर से चिल्लाता है नीत खुलती है इसकी पूरा माथा पसीने से शराब हो रहे बीवी से कहता है कि पानी लाओ बीवी पानी लाती है पानी पीने के बाद बेतहाशा रोने लगता है और बीवी से कहता है कि मुझे माफ कर दो अल्लाह ताला ने मेरी आंख खोल दी जिन बेटियों को मैं बोझ समझता था इन बेटियों के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने दो बेटियों की परवरिश की जिसको अल्लाह ताला ने दो बेटियाँ दी और उसने अपनी बेटियों की सही परवरिश की उनको खुश रखा उनके हुकूक को अदा किया उनकी तरबियत का ख्याल किया जवान होने पर उनकी सही जगह शादी कर दी तो ये बेटियाँ अपने बाप को अपनी माँ को जहन्नम की आग से बचाएंगी उस आदमी ने कहा कि आज मैंने ये ख्वाब देखा है मेरी आंख खुल गई है मैं तुमसे माफी मांगता हूं और मैंने गुस्से में जो बात तुमसे कही थी मैं अपनी बात वापस लेता हूं अब तुम भी दुआ करो और मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह एक और बेटी हमारे गुलशन में हमारे बाग में देते। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटी देता है जिसको चाहता है बेटा देता है जिसको चाहता है दोनों देता है जिसको चाहता है कुछ नहीं देता है इन नली कदीर अल्लाह ही जानता है कि किसको क्या देना है हम लोग अल्लाह की अल्लाह को पता है कि किसको क्या देना है इन इल्म वाला है उसको मालूम है किसको क्या देना है वह कदीर भी कहा कि अल्लाह कुदरत वाला है वही दे सकता है कोई और नहीं दे सकता वो अगर चाहे तो शादी के फौरन औलाद मिल जाती है और वो ना चाहे तो जकरियालाम को भी 80 साल तक तड़पना पड़ता है इब्राहिमसलाम को भी पचासी साल तक अल्लाह के सामने रोना पड़ता है तब जाके औलाद मिलती है मेरे भाइयों ये मामला अल्लाह की कुदरत पर है यह मामला अल्लाह के इल्म पर है उसके बाद यह फरमाया गया औरत की दो कमजोरियां बयान की गई औरत के अंदर दो कमजोरियां पाई जाती है क्या अवयउिल हिलिय औरत की पैदाइश जेवरों पर हुई है सजने धजने पर हुई है अपने आप को सजाने पर हुई है दुनिया इधर की उधर हो जाए इनकी पूरी तवज्जो इनकी फेस क्रीम पाउडर फाउंडेशन मस्कारा चा पता नहीं क्या क्या इनकी ईयर रिंग इनके गले में पहनने वाला नेकलेस और इनके हाथों में पहनने वाला कंगन और दुनिया अला बला बस यही इनकी जिंदगी है इनकी जिंदगी यहीं से शुरू है यहीं से खत्म है ये शादियों में जाएंगी ये कहीं जाएंगी तो इनको जो औरतें मिलेंगी घर आके अपने शोहर से कहेंगी फला का इयर रिंग बहुत अच्छा था अब मतलब यह है कि आप भी मुझे दिलाइए ऐसा इयर रिंग शौहर बेचारा चाहे वो दो हजार रुपया तीन हजार रुपया चार हजार रुपया उसकी इनकम हो महीने की इनको अपने शौक और अरमान से मतलब है ये पहली कमजोरी है औरत की औरत जेवरात की सजने धजने की बड़ी शौकीन होती है और दूसरी चीज वह हुआ फिल खिसा में गई मुबीन अगर औरत को कहीं डिस्कशन करना पड़ जाए बहस करना पड़ जाए तो एक फितरी जो शर्म इसके अंदर होती है उसकी वजह से ये अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर सकते अब आप लोग बोलेंगे मौलाना साहब आजकल तो टीवी पर ऐसी ऐसी औरतें बैठ के बहस करती हैं कि बड़े बड़े मौलानाओं का पानी जो है उनका खत्म हो जाता है मौलाना लोग जवाब नहीं दे पाते तो मैं कहता हूं कि वो औरतें औरतें ही नहीं होती औरत वो होती है जो हया और शर्म जिसके अंदर हो तो चार मर्दों के बीच में जाके आधे अधूरे कपड़े पहन के इस्लाम को गालियां दे मैं ऐसी औरत को औरत ही नहीं मानता औरत जानते हो औरत किसको बोलते हैं अरबी जुबान में अरबी जुबान में औरत कहते हैं शर्मगाह को शर्मगाह को कोई खोल के रखता है जो खोल के रखे उसको पागल लोग कहेंगे शर्मगाह को हर आदमी कवर करके ढांक के रखता है अल्लाह तबारक तआला ने औरत को औरत बनाया है ये छिपाकर मोती की तरह जैसे सीप के अंदर मोती छिपा रहता है ये मोती कितना छिपा के रखने वाली चीज है और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसी औरतों की तारीफ की है जो गाफिल हो जिनको दुनिया की खबर ना हो उनका अपना एक महदूद दायरा हो वो घर के अपने कामों में ही बिजी रहती हैं जो गाफिल औरतें होती हैं इस्लाम बहुत अच्छा नहीं समझता है कि औरत को पूरे दुनिया के करंट अफेयर्स की जानकारी हो कि कहा क्या हो रहा है सीरिया के अंदर क्या हो रहा है सऊदिया के अंदर क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है इंडिया की इकोनॉमिक्स कहाँ पहुंच रही है इलेक्शन में कौन जीत रहा है ये तमाम खबरें औरत को ना हो यही बेहतर है कुरान ऐसी औरतों की तारीफ कर रहा है गाफिलात का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने तो औरत जो होती है ये उसकी दूसरी कमजोरी है कि झगड़ा अगर हो जाए कोई मामला आ जाए कोई केस आ जाए तो अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर सकती अल्लाह ताला ने ये दो कमजोरियां औरत की बताई यहीं से एक नुकता ये मिला कि जब औरत की सलाहियतें अलग हैं और मर्द की सलाहियतें अलग हैं मर्द को अल्लाह ताला ने जैसा जिस्म दिया है औरत को नहीं दिया है मर्द को जैसी सोचने समझने की सलाहियत दी है मर्द औरत को नहीं दिए मर्द को जितनी हिम्मत दी है औरत को नहीं दिए लिहाजा दोनों के हुकूक भी एक जैसे नहीं होने चाहिए जब सलाहियतों में फर्क है जब टैलेंट्स में फर्क है जब काम करने का दायरा अलग है तो इसी तरीके से राइट्स में भी फर्क होना चाहिए हुकूक में भी फर्क होना चाहिए इसीलिए इस्लाम औरत के अलग हुकूक देता है मर्द के अलग हुकूक देता है उसके बाद जन्नत का जिक्र किया गया कुछ लोग कहते हैं जन्नत में मर्दों को हूर मिलेगी औरतों को क्या मिलेगा यह सवाल आता है कि भाई मर्दों को तो हूर मिलेगी औरतों को क्या मिलेगा कुरान जवाब देता है वफीहा मा जन्नत में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हारे अंदर ख्वाहिश होगी बात ही खत्म औरत को जो भी ख्वाहिश होगी अल्लाह ताला खुश कर देगा बस बात खत्म मर्दों को हूर मिलेगी औरत को क्या मिलेगा कुरान के इस जुमले ने जवाब दे दिया औरत को जितनी चीजों की ख्वाहिश होगी जन्नत में अल्लाह तबारक बताला किसी की ख्वाहिश को रद्द नहीं करेगा जिसकी जो ख्वाहिश होगी वो मिलेगी वैसे एक बात है औरत तौर पर एक ही मर्द के साथ रहना पसंद करती औरत की फितरत में है औरत एक से ज्यादा मर्दों के साथ रहना पसंद ही नहीं करती और औरत यह भी चाहती है कि मेरा मर्द भी मुझसे ही मोहब्बत करे कहीं और ना जाए यह औरत की फितरत होती है औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है अपनी मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त नहीं करना चाहती इस्लाम में दो शादियों की इजाजत है जितना भी कुरान पढ़ के सुनाओ औरतें क्या बोलेंगी आप लोगों को शरीयत का बस यही एक हुक्म मिला है आप लोग ले देकर इसी पर आते हैं कि दो शादियों की इजाजत इस्लाम में और किसी चीज की इजाजत है कि नहीं है तो औरतें सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारी मोहब्बत में बंटवारा हो यह बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कुरान ने क्या कहा मा हिल अनफुस जन्नत में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो वह आयुन और आंखों को जो चीजें अच्छी लगती हैं, आंखों को जितनी चीजों से लज्जत मिलती है वो तमाम चीजें तुम्हें जन्नत में मिलेंगी जन्नत का जिक्र किया तो उसके जस्ट बाद जहन्नम का जिक्र किया जहन्नम में क्या होगा जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तरह तरह की तकलीफें दी जाएंगी तरह तरह के अजाब दिए जाएंगे उनको गर्म खोलता हुआ पानी उनके खोपड़े पे उनके सर पे डाला जाएगा उनके बदन की अतड़ियां जब गलने लगेंगी इतने सख्त किस्म के आजाब दिए जाएंगे तो जहन्नमी आखिर में थक हार के जहन्नम के दारोगा से कहेंगे जहन्नम का जो आ, उसका जो दारोगा होगा उसका जो निगरान होगा उससे क्या कहेंगे व ना दौया मालिको लियई ना का ए मालिक जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है जहन्नम के दारोगा ऐ जहन्नम के निगरान मालिक अपने रब से कह दो ले ले न सताए इतनी तकलीफ न दे इतना हमें बार बार हमें मौत न दे एक बार मौत दे के काम खत्म कर दे ऐ जहन्नम के दारोगा अल्लाह से कह दो कि अब हमको मौत दे दे मार डाले खत्म कर दे जहन्नमी जहन्नम का दारोगा जवाब देगा कौन इन किसून ऐ जहन्नमियों यही तो बात है तुमने दुनिया में अल्लाह के पैगाम को तोड़ा तुमने अल्लाह के पैगाम को कबूल नहीं किया तुमने अल्लाह के कानून को तोड़ा है अब यहां अल्लाह तबारक वाला तुमको मौत की सजा भी नहीं देगा तुम्हें यही रहना है चुप रहो तुम्हें यही रहना है इन कुम्मा के सुन यही रहना है और यही तुम्हें तकलीफों का बार बार मजा चखना है अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज रखे उसके बाद सूरह दुखान शुरू होती है सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अनजलनाहू फी लैलति मुबारकतिन हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में उतारा है इन्ना कुन्ना मुनजीरिन और इस कुरान को उतारने का मकसद यह कि अल्लाह के नाफरमानों को डराया जाए फीहा युफरुकु कुल्लू अम्रिन हकीब और कुरान जिस रात में उतारा गया है शबे कदर की रात में उस रात में साल भर के मामला तय किए जाते हैं आइंदा आने वाले साल भर की लोगों की तकदीर लिखी जाती है एक तो वो तकदीर है जो अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में, में लिख के रख दी है और एक तकदीर है जो साल भर में बंदे के साथ क्या क्या होने वाला है इसका फैसला शबे कदर में होता है अच्छा कुरान ने कुरान ने इस रात को बरकत वाली रात कहा है जरा देखिए कैसी ये रात है कुरान बरकत वाली किताब कुरान जिस रात में उतरा वो रात बरकत वाली रात कुरान जिस महीने में उतरा रमजान बरकत वाला महीना कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा बरकत वाला फरिश्ता और कुरान जिस शहर में उतरा मक्का शहर तमाम शहरों में सबसे ज्यादा बरकत वाला शहर और कुरान जिस हस्ती पर उतरा तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा बरकत वाली हस्ती जनाब मोहम्मद रसूल वसल्लम ये इस कुरान की खासियत है ये बरकत वाली किताब है बरकत वाली रात में बरकत वाले महीने में बरकत वाले शहर में बरकत वाले फरिश्ते के जरिए बरकत वाले नबी के ऊपर उतरी है लिहाजा बरकत हासिल करनी है तो इस कुरान से हासिल करूँ उसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन का जिक्र किया फिरौन जब डूब गया फिरौन के साथ साथ उसके जितने चेले चमचे थे हवारी मवारी थे सब सब डूब गए तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फमा बकता फिरौन के ऊपर ना तो आसमान रोया ना जमीन रोई फिर के मरने पर ना आसमान रोया ना जमीन रोई क्या मतलब मतलब ये हुआ कि जब दुनिया से नेक आदमी जाता है जब दुनिया से मोमिन बंदा जाता है तो जमीन रोती है आसमान रोता है के अल्लाह एक नेक बंदा दुनिया से जा रहा है और जब एक बुरा आदमी एक काफिर एक फाचिर एक लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला लोगों का हक मारने वाला जब दुनिया से जाता है तो जमीन भी खुशी मनाती है आसमान भी खुशी मनाता है इस बात को और क्लियर तरीके से समझना है तो मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आप देखिए अल्लाह के प्यारे नबी के सामने एक जनाजा लाया गया मुस्लिम शरीफ की हदीस है अल्लाह के नबी के पास से एक जनाजा गुजरा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जानते हो जो ये जनाजा जा रहा है मुस्तरी हुन और मुस्तरा हुन या तो ये जनाजा आराम पालेगा या लोग इससे आराम पा लेंगे साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी इसका क्या मतलब हुआ आपने जो फरमाया मुस्तरी और मुस्तराहुन अनहू या तो यह जनाजा राहत लेगा या लोग इससे राहत लेंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर यह मोमिन का जनाजा है अगर यह मोमिन का जनाजा है तो यह राहत पालेगा ये बेचारा दुनिया की सारी टेंशन से सारी तकलीफों से आजाद हो कि अल्लाह ताला के यहां जा रहा है ये राहत पा जाएगा और अगर ये जनाजा किसी फासिक का होगा किसी फाजिर का होगा किसी बुरे आदमी का होगा किसी बदकार का होगा तो दुनिया इससे राहत पा जाएगी इसके जाने पर दुनिया के पत्थर दुनिया के पहाड़ दुनिया के पेड़ पौधे भी राहत महसूस करेंगे खसकम जहां पाक दुनिया से गंदगी गई दुनिया पाक हुई ये जमीन और आसमान का यह मिजाज है कि अगर दुनिया से कोई बुरा आदमी मरता है तो दुनिया ना आंसू बहाती ना जमीन आंसू बहाता है ना आसमान आंसू बहाता है उसके बाद पच्चीसवें पारे के आखिर में कयामत की एक अकली दलील दी गई कयामत की एक अकली दलील दी गई क्या कहा गया आती क्या बुराइयां करने वाले गुनाह करने वाले गलत काम करने वालों ने बदकारी करने वालों ने यह समझ रखा है कि हम बुराई करने वालों को और नेकी करने वालों को बराबर बराबर कर देंगे सवा अमया ममा तो दोनों का जीना और मरना बराबर हो जाएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये कयामत की एक अकली दलील अल्लाह ताला दे रहा है दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं बेचारे बहुत परेशान रहते हैं गरीब है बीमार हैं दुखों में है तकलीफ बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत बीमार है और दुनिया में कितने क्रिमिनल हैं कितने मुजरिम हैं गुंडे हैं बदमाश हैं चोर हैं उचक्के हैं जानी हैं शराबी हैं ऐश की जिंदगी गुजार रहे वीआईपी जिंदगी हैं लग्जरी लाइफ गुजार रहे इंसान का दिमाग कहता है कि कोई ऐसी अदालत होनी चाहिए कि जहां इन नेक लोगों को इनकी नेकी का बदला मिले और जहां इन बुरे लोगों की इनकी बुराई की सजा मिले और ऐसी अदालत कयामत के दिन लगेगी ये कयामत की अकली दलील है इंसान का कॉमन सेंस कहती है इंसान की अक्ल कहती है कि दुनिया में अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का फल नहीं मिल रहा है बुरे लोगों को उनकी बुराई की सजा नहीं मिल रही है लिहाजा एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए एक ऐसी अदालत होनी चाहिए जहां सबको इंसाफ मिल जाए और ऐसी अदालत इंशाला अल्लाह तबारक वाल कयामत के दिन लगाएगा जहां के बारे में अल्लाह ने फरमाया फमैयामल मिसकाल जर्रतिन खैराम जर्रतिन शर्रैरा एक जर्रा के बराबर भी किसी की नेकी बेकार नहीं जाएगी और एक जर्रा के बराबर की कोई गुनाह करके बच नहीं सकता उसके बाद छब्बीसवा पारा स्टार्ट होता है अल्लाह ताला फरमाता है गैरुल्लाह की पूजा करने वालों शिर करने वालों अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम शिर करते हो उसके ऊपर कोई दलील है तुम्हारे पास कुल अरा तुम मा तू नो ना नबी आप सवाल कीजिए शिर करने वालों से कि तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकार रहे हो जिनके साथ तुम शिर कर रहे हो अल्लाह के साथ जिनकी पूजा करके इस शिरक के ऊपर तुम्हारे पास कोई दलील है अरूनी माजा खलकू मिनल अर्जी मुझे बताओ कि तुम जिनको जिनको अपना मुश्किल कुशा मानते हो जिनके आगे तुम हाथ फैलाते हो जिनको तुम बिगड़ी बनाने वाला कहते हो जिनको तुम दस्तगीर कहते हो दाता कहते हो देने वाला कहते हो बताओ कि इस कायनात को पैदा करने में उनका भी कोई रोल है अरूनी माजा ये, ये शिरक की अकली दलील है शिर की अकली दलील है कि अपनी अकल से सोचो कि इस कायनात को पैदा करने और बनाने में क्या इन लोगों का कोई रोल है अम लहुम शिरकुन फीस समावात क्या आसमान को बनाने में इनका कोई पार्टनरशिप है कोई रोल है ई तू नी भी किताबिमिन कब लिहाजा ओ शिरक करने वालों अगर अकली दलील नहीं दे सकते तो नकली दलील दे दो किताब कोई लेके आ जाओ अल्लाह की किताब ला के बता दो सबूत दे दो कि अल्लाह ने शिर करने की इजाजत दी अव असारतिमिन इमिन या कोई इलमी दलील दे दो इन कुंतुम सादी अगर तुम सच्चे हो तो या तो अपने शिरक के ऊपर कोई अकली दलील ले आओ या नकली दलील ले आओ या फिर कोई इल्मी दलील ले आओ लेकिन कोई दलील रहेगी तब तो मिलेगी वहां तो सामने गालियां हैं मंतिक है, है लॉजिक है फलसफा है और कुछ नहीं है इससे मालूम हुआ कि शिरक की जो बिल्डिंग है शिरक की जो इमारत है उसके नीचे कोई बुनियाद नहीं है बेसलेस इमारत है बुनियाद तो बेबुनियाद इमारत है और जाहिर सी बात है कि जो इमारत बेबुनियाद होगी एक ना एक दिन गिर जाएगी उसके बाद एक बहुत बड़े गलत अकीदे की तरदीद की गई वमन अजलुमिनला उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों को पुकारे मल्ला बुलहू अला यू मिल्या मह को छोड़कर ऐसे लोगों को पुकार रहा है जो कयामत तक तेरी पुकार को सुन नहीं सकते तेरी दुआ को सुन नहीं सकते वहुम गाफिलून उनको तो पता भी नहीं है कि उनके मजारों पे आज क्या क्या हो रहा है उनकी दरगाहों पे आज क्या क्या हो रहा है अल्लाह के नेक बंदों को आज हम मुश्किल कुशा बनाए फिर रहे वो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे तो बेखबर हैं वो तो जिंदगी भर तो की तालीम देते रहे जिंदगी भर एक अल्लाह से डरने की एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम देते रहे और आज उनके जाने के बाद हमने उनके कब्रों और दरगाहों पर और आस्थानों पर सर झुकाना शुरू कर दिया अल्लाह फरमाता उनको तो पता भी नहीं कि उनकी कब्रों पर क्या क्या हो अच्छा अब जब कयामत का दिन आएगा तो सुनिए क्या कहता है कुरान। नहीं कहा थार करने को आप ही हमने तो हमेशा इनको तोहिद की तालीम दी थी कयामत के दिन वही जिनको आज अलिया अल्लाह कह के हम उनके दरगाहों और आस्थानों पर सर झुका रहे हैं कल वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हम बिल्कुल इनकार करते हमने इनसे नहीं कहा उसके बाद अल्लाह ताला ने मां बाप का जिक्र किया है वह वसिन इंसान अहसाना हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने मां बाप के साथ भलाई कर हम कुरहा तेरी मां ने तकलीफों के साथ तुझे अपने पेट में रखा वह वजात हो कुरहा और तकलीफों के साथ तुझे जन्म दिया वह हम व फिसा फी आमीन और हमलो हुआ फिसालू सलासून अशहरा और बच्चे की का जो हमल होता है और बच्चे के दूध पिलाने की जो मुद्दत होती है ये कंप्लीट तीन साल की होती है इस आयत से एक सबक मिला कि अगर छ महीने का बच्चा छह महीने के हमल से बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा सही माना जाएगा इसलिए कि दूध पिलाने की मैक्सिमम मुद्दत कुरान ने दो साल बताई है कितनी बताई है दो साल और दूध पिलाने की और हमल की दोनों की मिलाकर के मुद्दत तीस महीने बताई यहां इस आयत में तीस महीने सलासून शहरा तीस महीने बताई गई तो तीस महीने में से दो साल को अगर माइनस कर लो तो कितना बचा भाई दो साल में कितने महीने होते हैं चौबीस तो तीस में से चौबीस माइनस कर लो कितने बचे छ तो साबित यह हुआ कि 6 महीने में अगर हमल अगर डिलीवरी हो जाए तो कुरान हकीम की इस के हिसाब से बच्चा सही है अच्छा बच्चा पैदा हो गया हत्ता ईजा बलगा अशुद्ध हु जब वो बच्चा जवान हो जाता है वह बलगा अरब इन सनतन और चालीस साल का हो जाता है तब वो दुआ करता है चालीस साल का जब आदमी हो जाए तो उसको यह दुआ करनी चाहिए यह सब कुरान से साबित हो रहा है कि जब आदमी चालीस का हो जाए तो यह दुआ उसको करनी चाहिए क्या दुआ है अन अश्कुरा नेमत अन मुझे तोफीक दे तू मुझे हिदायत दे कि तू ने मेरे ऊपर जो नेमत अता की है उस नेमत पर मैं तेरा शुक्र करूं करू वा अला वालिदया। और अल्लाह तूने मेरे माँ बाप के ऊपर भी जो एहसान किया है जो नेमत किए उसका भी मैं मुझे शुक्र अदा करने की तोफीक दे वह अनिहतर और अल्लाह मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे और ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए नेक अमल एक तो होता है कि नेक अमल हो रहा है लेकिन अल्लाह ताला उससे राजी नहीं है उसके कबूल नहीं हो रहा है तो बेकार है ना नेक अमल ऐसा करने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए अच्छा चालीस साल क्यों कहा गया कि चालीस साल में बंदा यह दुआ करता है चालीस साल की जो उम्र होती है ये जिंदगी का बड़ा बेहतरीन दौर होता है इंसान हर एतबार से कंप्लीट हो जाता है बीस साल में पच्चीस साल में जवान हो जाता है लेकिन पुख्तगी नहीं आती है सोचने समझने की जो सलाहियत होती है डिसीजन लेने की जो का जो टैलेंट होता है वो चालीस साल में आता है इसीलिए अल्लाह ने अपने ज्यादातर नबियों को चालीस साल की उम्र में नबूत दी और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल असलम को भी चालीस साल की उम्र में अल्लाह तला ने नबूत दी है चालीस साल की जो उम्र होती है ये इंसान की जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जो आदमी चालीस साल की उम्र में सुधर गया आगे की जिंदगी भी उसकी सुधरी रहेगी और जो चालीस साल में नहीं सुधर गया वो कभी नहीं सुधरेगा जो चालीस साल तक नहीं सुधर गया अब कान पकड़ लो सुधरने वाला नहीं है अल्लाह ही हिदायत दे तो अलग बात है यह है चालीस साल के अंदर खास बात उसके बाद सूर्य मोहम्मद शुरू होती है हम्मद के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इसफफार की फजीलत बयान की है और इस्तफार की फजीलत बयान बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी को तोहीद का इल्म हासिल करने की तालीम दी फ़ालम अन्नहु ला इलाहा फालमहूला आए मेरे नबी आप इल्म हासिल कीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जान लीजिए इल्म हासिल कीजिए इमाम बुखारी रमतल कुरान की यह आयत लाते हैं अपनी सही बुखारी के अंदर और कहते हैं इस आयत से पता चला कि अमल के पहले इल्म का नंबर आता है। पहले इल्म हासिल करो तो का तो के बारे में मालूम नहीं है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं पहले तोहीद का इल्म हासिल करो दुनिया का सबसे बड़ा इल्म तोहीद है जो तोहीद को समझ गया वो हकीकत में आलिम है चाहे उसके पास कोई डिग्री हो ना हो और जिसके पास तोहहीद का इल्म ना हो उसकी लंबी पगड़ी देख के धोखा ना खा जाना तोहहीद का इल्म अगर नहीं तो इंसान जाहिल है पक्का जाहिल है वो अगर तोहहीद उसके पास नहीं तो नबी तोहहीद का इल्म हासिल कीजिए वस्तक फिर ले जंबी का और नबी आप भी अपनी गलतियों पर अल्लाह से माफी मांगिए अभी मैं बताऊंगा कि नबी को कौन सी गलती पर माफी मांगना है ऐ नबी आप अपनी गलती पर अल्लाह ताला से इस्तफार कीजिए वलिल मोमिनीना और मोमिनों के लिए भी इस्तफार कीजिए वलिल मोमिनात और मोमिन औरतों के लिए भी इस्तफार कीजिए मेरे नबी अल्लाह के प्यारे नबी इस्तार दिन भर में सत्तर से ज्यादा मरतबा किया करते थे बुखारी की हदीस से अल्लाह के नबी फरमाते लोगों अपने रब से तोबा किया करो इस्तफार किया करो इसलिए कि मैं मोहम्मद वसलम दिन भर में सत्तर से ज्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तफार करता हूँ मेरे भाइयों हमें से कितने लोग हैं जो इस्तफार को अपनी जिंदगी का मामूल बनाए हुए हैं जब उनको मौका मिले इस्तफार करते रहें इस्तिकार नबी अक्रम की सुनत है उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का एक कंपैरिजन किया है जन्नत का जिक्र किया पहले जन्नत कैसी है कहा मसलुल जन्नति मुत्तकून जिस जन्नत का अल्लाह ताला ने मुत्तियों से वादा किया है जानते हो वो जन्नत कैसी है मिन माइन गैर आसिन जन्नत में जो पानी की नहरें हैं वो पानी कभी सड़ता नहीं है दुनिया में पानी एक जगह स्टोर करके रख दो तो सड़ जाएगा खराब हो जाएगा लेकिन जन्नत में पानी की नहरें कभी सड़ती नहीं है वह अनहारुम तर ता और जन्नत में दूध की भी नहरें होंगी दुनिया में दूध की कहीं नहर है क्या दुनिया में दूध हमें जानवर के थन से मिलता है मगर जन्नत में दूध की नदियां होंगी दूध की नहरें होंगी और दुनिया का दूध फट जाता है दुनिया का दूध खराब हो जाता है मगर जन्नत का दूध अल्लाह ताला फरमाता तो है उसका टेस्ट कभी बदलने वाला नहीं बिल्कुल प्योर है बिल्कुल शुद्ध है बिल्कुल असली है, उसका टेस्ट बिल्कुल बेहतरीन है कभी बदलने वाला नहीं वह वा खमरिन और शराब की भी नहरें होंगी कौन सी शराब ये दुनिया वाली शराब दुनिया की शराब पी के तो जो शराबी होता है वो गटर के किनारे पड़ा रहता है गटर के किनारे पड़ा रहता है उसको कुछ होश नहीं रहता है क्या खा रहा है क्या बोल रहा है मां की गाली देता है बहन की गाली देता है लेकिन जन्नत की शराब अल्लाह कह रहा है लज्जत उसमें लज्जत होगी एक जगह कुरान में कहा है कि ला गौलुन फिया उसको पीने के बाद चक्कर नहीं आएगा उससे दिमाग खराब नहीं होगा बस आप ये समझ लीजिए कि जितनी चीजों के अंदर दुनिया में लज्जत है शराब पीने वाले शराब क्यों पीते तो उनको लज्जत मिलती है लेकिन दुनिया की शराब में लज्जत तो मिलती है लेकिन दुनिया भर के उसके अंदर इंसानों को नुकसान हैं दुनिया भर की परेशानियां हैं चक्कर आ रहा है दिमाग खराब हो रहा है होश गायब हो रहा है लेकिन जन्नत में वही लज्जत वाली शराब मिलेगी बिल्कुल पाक और साफ होगी उसके अंदर न चक्कर आएगा ना दिमाग बहकेगा ना कदम बहकेंगे तो शराब की भी नहरें होंगी वह अनहारुम मिन असलीम मुसफा और शहद की भी नहरें होंगी दुनिया में शहद की कहीं नहरें शहद की मक्खी के जरिए शहद बनता है और दुनिया की शहद में मिलावट भी होता है शहद वाला आता है बोलता है अरे ले लो बिल्कुल प्योर है शुद्ध है और होता है मिलावटी आज की दुनिया में तो हर चीज में मिलावट है दूध के अंदर मिलावट मलाई के अंदर मिलावट शहद के अंदर मिलावट जानते हैं कहीं कहीं जो मलाई जानते हैं भी? मलाई दूध के ऊपर जो मलाई होती है मलाई की जगह टिश्यू पेपर डाल ले कम वक्त इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है मिलावट के नए नए तरीके अपना रहा है चावल के अंदर अनाज के अंदर जान बूझ कर एक रेशियो बना के उसके अंदर कंकरी भरी जाती यह है, है इंसान इंसान का दुश्मन बनाए केला जो होता है मौज मौस को इंजेक्शन के जरिए पीला करके उसको पक्का शो करते पक्क इंजेक्शन ला तो जहां मिलावट नहीं है जहां डुप्लीकेश नहीं है वहां कोई चीज डुप्लीकेट नहीं है अल्लाह फरमा रहा है कि वहां जो शहद होगी बिल्कुल प्योर होगी बिल्कुल शुद्ध होगी अब अल्लाह ताला कह रहा है बताओ कि एक तरफ ये जन्नत है और दूसरी तरफ वो जहन्नम है कि जहां खोलता हुआ गर्म पानी जहन्नमियों को पिलाया जाएगा फकत उनकी अतरियां उस खोलते हुए गर्म पानी से कट जाएंगी बताओ क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं मेरे बंदों में तुमसे सवाल करता हूं कि ये दो दुनिया है एक इतनी नेमतें हैं और एक जगह इतनी अजाब और तकलीफें हैं मेरे मेरे बंदो तुम उस जन्नत को हासिल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो और इस तकलीफों की दुनिया में जाने के लिए तुम भागे जा रहे हो जहन्नम की तरफ तुम भागे जा रहे हो उसके बाद अल्लाह ताला ने अमल की कबूलियत की शर्त बताई कि अमल अल्लाह ताला क्या कबूल कब होगा या मनु अतिलासूल अमान वालो अल्लाह की ये तात करो रसूल की ये तात करो अल्लाह की इतात करो और रसूल की इतात करो यानी कुरान पर अमल करो और हदीस के ऊपर अमल करो वला वरना तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम्हारा अमल अल्लाह और उसके रसूल की इतात के दायरे से बाहर निकल जाएगा कुरान हदीस को छोड़कर किसी और को अपने अमल का स्टैंडर्ड और मैार बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे तुम्हारा अमल बर्बाद हो जाएगा अमल अगर कबूल करवाना है अल्लाह की बारगाह में तो कुरान और हदीस पर आ जाओ अल्लाह की एतात और रसूल की एतात करने वाले बन जाओ अल्लाह तबारक पता गारंटी ले रहा है कि हम तुम्हारे अमल को कबूल करेंगे और एक राज बताया गया दुनिया में मुसलमान आज कट रहे हैं पिट रहे हैं हर जगह जलील हो रहे हैं खार हो रहे हैं उसका राज क्या है उसका इलाज क्या है इलाज बताया गया यानु इन तनसुरु सबदा वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह की मदद करोगे क्या नौजबी अल्लाह ताला को हमारी मदद की जरूरत है अल्लाह की मदद का क्या मतलब है? के दीन की मदद करोगे अल्लाह के दीन की मदद करो दीन का सपोर्ट हर तरीके से करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा आज पूरी दुनिया में हम सब अपने गरे में झांके हम नाम के मुसलमान हैं हम कभी ऐसा हुआ कि रमजान आया हमारा दीन जाग गया रमजान खत्म हमारा दीन और ईमान खत्म या तो कभी हमारे ऊपर मुसीबतें आई हम अल्लाह को याद करने लगे मुसीबतें खत्म अल्लाह को हम भूल जाते हैं आज हमारा ईमान वक्ती है आरजी है मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह गारंटी ले रहा है कि तुम हमारे दीन की मदद करो हम तुम्हें गारंटी देते हैं हम तुम्हारी मदद भी करेंगे वही सब भी तकदा मकुम और हम तुम्हारे कदम को जमा देंगे उसके बाद सुरफ शुरू होती है इन्ना मेरे हमने आपको ले मिन वमा ता ताला आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ नबी के लिए गुनाह का लफज आ रहा है क्या नबी से भी गुनाह हो सकता है नहीं नबी से गुनाह नहीं हो सकता नबी मासूम होते हैं नबी से गुना नहीं हो सकता लेकिन नबी से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम नबी के जरिए भी ऐसा हो जाता है जो बेहतर नहीं होता जैसे कभी कभी होता है कि दो चीजों की च्वाइस है एक चीज गुड है एक चीज गुड है और एक चीज बेटर है और एक चीज बेस्ट है तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा नबी गुड पर अमल ना करे बेटर पर अमल ना करे बेस्ट पर अमल करे सुपर लेटिव अब मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी एक मरतबा काफिरों के सामने बड़े बड़े सरदारों के सामने दीन की दावत पेश कर रहे थे इतने में एक अंधे साहबी अब्दुल्ला इबन उम मक्तूम रजी अल्लाह तआला तुम आगे अब अल्लाह के रसूल के चेहरे पर कुछ नागवारी के असर आता आ गए अल्लाह के नबी को यह लगा यह महसूस हुआ कि भाई अभी इनको आने की क्या जरूरत थी ये तो पहले ही मुसलमान हो चुके हैं मैं अपनी एनर्जी इनके ऊपर अब क्यों खर्च करूं ये जो काफिर काफिरों के सरदार हैं जो गुरु घंटाल लोग हैं चौधरी लोग हैं सेठ लोग हैं इनके ऊपर मैं थोड़ी मेहनत करूं तो हो सकता है ये इस्लाम कबूल कर ले अल्लाह के रसूल की सोच थी आपने हजरत अब्दुल्ला मक्तुम के आने पर थोड़ा सा आपके चेहरे पर नागवारी आ गई अल्लाह ताला को अपने नबी की यह अदा भी पसंद नहीं आई Allah ने पूरी कुरान की सूरत नाज़िल कर दी। आमा जिक्रा। मेरे नबी, आपके चेहरे पर ना गवारी आ गई आपने अपना मुंह फेर लिया इसलिए कि एक अंधा आपके पास आ गया था क्या पता कि उस अंधे के जरिए अल्लाह ताला और उसको अपने दीन का काम करवा ले उसका और ज्यादा तस्किया हो जाए आप उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं जो हिदायत कबूल ही नहीं करते अल्लाह ने अपने नबी को भी बड़े प्यारे अंदाज में तंबी की है तो इस तरीके के जो मामला अल्लाह के नबी की जिंदगी में आए हैं वो मुराद हैं और अल्लाह के नबी की से कोई गुना हुआ ऐसा ऐसा यहां नहीं कहा गया तो यहां कहा गया कि नबी हमने आपको फतेह मोबीन दी ये कौन सी फतेह मोबीन है सन छे हिजरी में अल्लाह के रसूल साहब के राम को लेके उमरा करने जा रहे थे रास्ते में एक जगह है होदैबिया जो लोग हज कर चुके वो देखे होंगे होदेबिया में काफिरों ने रोका हम आपको उम्र करने नहीं देंगे क्यों नहीं दोगे बोले आपने जंगे बद्र में हमारे बाप दादा को मारा है गजबे उहद में हमारे बाप दादा को मारा है आपको हम खाने काबा में दाखिल होने नहीं देंगे बहरहाल मामला आगे बढ़ा तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के काफिरों के साथ एक सुलह की थी उस सुलह को हुदैबिया कहा जाता है मक्का के काफिरों की तरफ से सोहेल बिन अमर नाम का एक आदमी था जो इस सुलह में का जिम्मेदार था और अल्लाह के रसूल की तरफ से हजरत अली रजिया लिख रहे थे तो सुलहनामा जब लिखा जाने लगा तो सुलहनामा की पहली लाइन हजरत अली ने लिखी बिस्मिल

मुशरिकों के बीच में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में अभी एक लाइन लिखी थी हजरत अली ने कि सुहेल बिन अमर ने कहा ये आपने क्या लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर हम रसूल ही मानते तो झगड़ा क्यों होता इसको काटिए और यहां पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखिए कितनी खतरनाक बात थी एक सहाबी से और हजरत अली जैसे सहाबी से वो काफिर कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह काट के लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हजरत अली ने कलम रख दिया बोले मैं नहीं लिख सकता इतना गिर के मैं सुला नहीं कर सकता मैं अपने रसूल को रसूल मानता हूं मैं इसको काट नहीं सकता अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से कहा कि अली लिख दो काट दो हजरत अली ने कहा अल्लाह के नबी मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं मैं कैसे उसको मिटा दू कैसे उसको काट दू मैं मोहम्मद रसूल को नहीं काट सकता अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा बताओ कहां लिखा है मुझे बताओ मैं काट देता हूं नबी अक्रम सलम ने अपने हाथों से रसूल्लाह को काटा और वहां पर इबन अब्दुल्ला लिखा गया और सुलहनामा लिखा गया सुलहनामा में यह लिखा गया कि अब आइंदा मुसलमानों के बीच में और मुशरकों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी कोई जंग नहीं होगी और उसमें यह भी लिखा गया कि अगर मुसलमानों का कोई आदमी मक्का चला जाएगा तो मक्का वाले उसको रिटर्न नहीं करेंगे मक्का से अगर कोई मुसलमान भाग के मदीना चला जाएगा तो मदीना के लोग उसको रिटर्न करेंगे ये बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत दब के ये की जा रही है दिमाग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था मगर अल्लाह तबारक की तरफ से नबी अक्रम को बताया गया कि आप ये सुलह कर लीजिए इसमें हम आपको भलाई देंगे इन शाह तो बहरहाल सुलह हो जाती और अल्लाह की कुदरत देखिए इस सुलह के ठीक दो साल के बाद अल्लाह ने ऐसे हालात बना दिए कि उसी मक्का के अंदर दस हजार साहब किराम के साथ अल्लाह के नबी फातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल हुए खाने काबा को बुतों से पाक और साफ किया और वो खाने काबा जहां हजारों साल से अल्लाह अकबर की आवाज बंद हो चुकी थी उस आवाज को फिर से शुरू किया अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल के जरिए अजान दिलवाई तो कहने का मतलब यह 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 है कि सुलह जो हुई थी ये बजाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत डाउन होकर और बहुत दबके की जा रही है लेकिन अल्लाह ने उसमें भी भलाई का पहलू रखा था जब लड़ाई बंद हो गई दोनों तरफ से जब झगड़ा बंद हो गया तो एक दूसरे को इस्लाम की तबलीग करने का बेहतरीन और गोल्डन चांस मिल गया मुसलमानों ने इस चांस का फायदा उठाया और इस्लाम कि बहुत तेजी से तबलीग की और नतीजा यह निकला कि दो ही साल के बाद ऐसे हालात बन गए कि मक्का फतह हो गया उसी को अल्लाह ताला ने मुबीन का इन्ना फतह फतह मुबीना नबी हमने आपको फतेह मुबीन अता फरमाए उसके बाद यह कहा गया कि इस्लाम दुनिया में मगलूब होने के लिए नहीं आया है इस्लाम गालिब होने के लिए आया है व दीन अलहक के लिए अलद्दीन कुल्ल अल्लाह तला ने अपने रसूल को दीन इस्लाम देकर भेजाए ले रहूअीन कुल्ली ताकि अपने नबी के जरिए दीन को गालिब कर दे दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह ने भेजा है यह दीन कभी मगलूब होने वाला नहीं है डाउन होने वाला नहीं है यह दीन हमेशा गालिब रहेगा दलाइल के से तो हमेशा रहेगा हालात के एतबार से यह दीन आज मगलूब है हमारी करतूत की वजह से है वरना जब तक इस दीन पर हम मुकम्मल तरीके से अमल पैरा थे यह दीन जाहरी एतबार से भी गालिब था आज जहरी एतबार से दीन मगलूब है उसके जिम्मेदार हम और आप हैं वरना दलायल के एतबार से आज भी यह दीन गालिब है उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक नसीहत की या आमनू ला इल्लाही वरसूली। ऐ वालो, और व रसूल से आगे मत बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो क्या मतलब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो फिर अपना दिमाग मत लगाओ अपनी मंतिक मत लगाओ अपनी लॉजिक मत लगाओ अल्लाह और उसके रसूल के फैसले पर अमल करो उसके आगे मत बढ़ो उसके बाद नबी का मकाम बताया गया या तरफ असवासिन नबी ईमान वालो नबी की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को ऊंचा मत करो नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं अगर तुमने नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा किया अन्ता वा ला तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी नेकियां अल्लाह ताला तला बर्बाद हो जाए नबी की गुस्ताखी करने की वजह से नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची करने की वजह से तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो सकती एक सहाबी थे हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह इनकी आवाज नेचुरली कुदरती तौर पर थोड़ी ऊंची थी कुछ लोगों की आवाज होती है उनको लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती वो जहां बोलने लगे तो कई किलोमीटर तक आवाज जाती है तो हजरत साबित बिन कैस की आवाज़ थोड़ी लाउड थी ऊंची थी जब कुरान की आयत उतरी तो हजरत साबित रजी अल्लाह तु अल्लाह के रसूल के पास आना बंद कर दिए नहीं आते थे बोले मैं नबी के सामने बोलूंगा और मेरी आवाज़ ऊंची हो जाएगी तो मेरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी कौन अपनी नेकियों को बर्बाद करवाएगा कई दिनों तक वो अल्लाह के रसूल के पास नहीं आए मुस्लिम शरीफ की रिवायत है

वो उनके लिए है जो गुस्ताखी करते हैं तुम्हारी अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर आवाज ऊंची बनाई है तुम उस हुक्म से अलग हो तो ये साहब कर राम का डर था कि कुरान की आयत नाजिल होती थी फौरन अलर्ट हो जाते थे कहीं उस वो चीज मेरे ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रही है अपने आप को बचाने की कोशिश करते उसके बाद अल्लाह ताला ने झगड़ा खत्म करने के नौ तरीके बताए नौ चीजें बताई हैं अल्लाह ने अगर ये नौ चीजें घर के अंदर खानदान के अंदर समाज के अंदर अमल करना शुरू कर दो तो सारे झगड़े खत्म हो जाए पहली चीज इन जाम फासिकुन बे नब इन फतबयन तहकीक कर लिया करो सुनी सुनाई बात का यकीन मत करो अफवाहों पर ध्यान मत दो ये इस्लाम का मिजाज है और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं मोबाइल पर कोई मैसेज आया कि इलाहाबाद के अंदर एक मस्जिद को गैर मुस्लिमों ने गिरा दिया है और मस्जिद का एक फोटो डाल दिया अब हमने ना तहकीक न पता किया कि यह खबर सच्ची है कि झूठी है जिसको जलाया गया है वो मस्जिद ही है या कोई और चीज है हमने फौरन मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया ऐसे हजारों मैसेज आज मोबाइल के ऊपर आ रहे हैं जो बिल्कुल झूठ हैं शहरों के अंदर दंगे और फसाद हो रहे हैं इन अफवाहों की वजह से सऊदी अरब का भी मामला चला सऊदी अरब और कतर का सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए झूठी झूठी खबरें झूठे झूठे मैसेज झूठे झूठे फोटो बहुत भेजे गए फैलाए गए हमारा इस्लाम हमें एक जिम्मेदार बनने की तालीम देता है मेरे भाई यह पहली चीज है अगर आपको समाज के झगड़े और खत्म करने हैं पहले आप बदगुमानियां पालना बंद कीजिए सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना बंद कीजिए जिसका मैटर है साहब से डायरेक्ट मिलिए उससे पूछिए कि हकीकत क्या है अगर कोई आदमी खबर लेकर आ रहा है, तहकी आप मत कह रहा है। तुम तहकी अगर एक्शन उठाओगे मा तो किसी का नुकसान कर दोगे और बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा तो झगड़ा मिटाने का यह पहला तरीका दूसरी चीज इनताइतालुफा बई नहुमा दो मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो जाए तो जहां तक पॉसिबल हो सुलह कराने की कोशिश करो हम लोग क्या करते हैं हम लोग आग में घी डालने का काम करते हैं झगड़े को और बढ़ाने का काम करते हैं अगर दो भाइयों में झगड़ा है तो कुछ लोग एक भाई को चढ़ाते हैं कुछ लोग उस भाई को चढ़ाते हैं कि हाँ तुम्हारा वो भाई तो ऐसा है वैसा है इतना भड़का देते हैं कि अगर वो इतने दूर होते तो इतने हो जाते ये नहीं होना जहां तक पॉसिबल हो सुलह कराओ और मैंने आपको बताया था कि इस्लाम सुलह कराने को इतनी अहमियत देता है कि सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो इस्लाम जायज कर अगर झगड़ा कराने के लिए कोई सच बोले तो ऐसा सच हराम है और सुलह कराने के लिए कोई झूठ बोले तो ऐसा झूठ हलाल और जायज यह इस्लाम के अंदर सुलह और सफाई की अहमियत है अल्लाह के नबी की पूरी लाइफ में पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि आप नमाज के टाइम पर नहीं पहुंच पाए और नमाज हजरत अबू बकर पढ़ाने लगे आपकी जिंदगी बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं बीमारी के आलम में तो पढ़ाई थी अपनी सेहत की हालत में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि दो कबीलों के बीच में झगड़ा हो रहा था अल्लाह के रसूल सुलह कराने के लिए गए लेट हो गए असर की या जहर की नमाज थी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह रजील्ला पढ़ाने लगे अल्लाह के नबी नमाज के बीच में आए और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह रजील्ला नमाज पढ़ा रहे हैं अल्लाह के रसूल सब में शामिल हो जाते हैं साहब कलम जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं कि अबू बकर अब आगे पीछे चले आओ अब हमारे इमाम इमाम कायनात आ चुके हैं इमाम आजम आ चुके हैं पीछे चले आओ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह नमाज़ में बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी नमाज ही में उनकी तवज्जो है जब बहुत तेज तेज तालियां बजाने लगे लोग तो हजरत अबू बकर ने कंखियों से देखा तो बाएं तरफ सब में जनाब मोहम्मद रसूल मौजूद थे हजरत अबू बकर को अल्लाह के रसूल ने नमाज, नमाज ही में इशारा किया कि नमाज पढ़ाते रहो लेकिन हजरत अबू बकर रुके नहीं और फौरन पीछे मसल्ले पर चले आए नबी अक्रम ने आगे पढ़ के पूरी नमाज पढ़ाई लंबा वाक्य है बताना यह मकसूद है कि अल्लाह के नबी जमात के टाइम इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि सुलह कराने के लिए गए थे ये इस्लाम के अंदर सुलह की अहमियत है तीसरी चीज मजाक उड़ाना या लजीना आमनू ला य कौम उमिन कौमिना सा खबरदार किसी का मजाक न उड़ाओ तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो हो सकता है कि अल्लाह की नजर में वो तुमसे बेहतर हो अमीर गरीब का मजाक उड़ाए आलिम जाहिल का मजाक उड़ाए बड़ा छोटे का मजाक उड़ाए कतई इजाजत नहीं है इस्लाम में मजाक करने की इजाजत है मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं मजाक उड़ाओगे दुश्मनी बढ़ेगी अच्छा मजाक उड़ाने से जब मना किया तो मर्दों का नाम लेकर औरतों का भी नाम लिया गया इसलिए कि औरतों के अंदर भी यह चीज बहुत पाई जाती है औरतें जितने ये रसम रिवाज हैं शादी के औरतें बहुत तेज मजाक उड़ाती हैं अरे कितना गरीब है फटीचर है देखा नहीं उसकी शादी में कितने कपड़े आए थे ये औरतों की जुबान से बहुत तेज निकलता है बहु अगर कुछ जेवरात कम लेकर आ जाए कुछ कपड़े और सामान कम लेकर आ जाए तो सबसे पहले सास बोलती है कि कौन से मैंने गरीब घर में अपने लड़के की शादी कर दी कहां मेरे बेटे की किस्मत फूट गई इस तरीके के अल्फाज औरतों के जुबान से निकलते हैं तो मजाक मत उड़ाओ ये तीसरी चीज है चौथी चीज वला तल में जुआ न किसी को ताना मत दो ताना मत दो किसी चीज का अरे तू किस बाप की औलाद है तू किस बिरादरी का है तू कैसा है ताना देना बुरा भला कहना यह झगड़े की चौथी जड़ है पांचवी चीज वाला को बुरे से याद मत करो। अच्छा खासा नाम है लोग नाम बिगाड़ देते हैं बुरा नाम दे देते हैं कोई बेचारा अगर पैर से माजूर है उसको लंगड़ा बोलते हैं उसका अच्छा खासा कोई नाम है नाम कोई बेचारा एक आंख अगर उसकी खराब है उसको काना बोलने लगते ऐसा नहीं बोलना चाहिए हां अगर ऐसा कोई आदमी है कि उसका उसके किसी जिस्मानी चीज की पहचान से उसका नाम पड़ गया उसको बुरा नहीं लग रहा है अब कोई आदमी लंगड़ा है और उसका नाम यासीन है तो लोग बोलते अरे वो यासीन लंगड़े हैं उनके पास चले जाओ तो उसको बुरा नहीं लगता है वो जानता है कि मैं लंगड़ा हूं मुझे लोग लंगड़ा कहते हैं उसकी एक आइडेंटिटी बन गई पहचान बन गई वो एक अलग बात है लेकिन किसी का नाम जानबूझ के नहीं बिगाड़ना चाहिए पांच चीजें हो गई नंबर छह कसीरम बदगुमानी से बचो बदगुमानी का मतलब समझते हो मान लो इनसे मेरी दुश्मनी हो गई है नहीं दुश्मनी एक मिसाल दे रहा हूं अब इनसे मेरी दुश्मनी हो गई अब ये किसी से बैठ के बात करेंगे तो मैं सोचूंगा लग रहा है मेरे खिलाफ बात हो रही है लग रहा है मेरे ही खिलाफ खिचड़ी पक रही है ये होती है बदगुमानी जब इंसान किसी से दुश्मनी करता है ना तो उसकी अच्छी चीजों में भी वो कोई ना कोई खराब पहलू ढूंढ लेता है अल्लाह ताला मना कर रहा है बदगुमानी मत करो कि आस मत दौड़ाओ दिमाग मत दौड़ाओ हां जो हकीकत में जिसको आंखों से देख लो एक अलग बात है लेकिन सुनी सुनाई बातों पर बदगुमानी करके स्टैंड मत लो नंबर सात वाला तजस्सु जासूसी मत करो देखो बदगुमानी पहला स्टेप है जब बदगुमानी आदमी करता है किसी से तब जासूसी करता है अच्छा क्या कह रहा था वो क्या कह रहा था मेरे बारे दूसरा स्टेप है कहा कि बदगुमानी मत करो जासूसी मत करो बाजा और मत करो यह तीसरा स्टेप है पहले आदमी बदगुमानी करता है फिर जासूसी करता है और फिर गीबत करता है गीबत का मतलब समझते हैं गीबत किसको बोलते हैं हम लोग समझते हैं गीबत का मतलब किसी की बुराई करना नहीं गीबत का मतलब होता है किसी के अंदर कोई बुराई है और उसकी बुराई को बयान करना नहीं है तो तोहमत है वो इल्जाम है वो गीबत नहीं है अगर मेरे अंदर कोई बुराई है और आप मेरी पीठ पीछे लोगों से बोल रहे हैं तो यह गीबत है अगर मेरे अंदर वो बुराई नहीं है और आप पीठ पीछे बोल रहे हैं तो यह बहुत है यह तोहमत है यह इल्जाम है जो और बड़ा खतरनाक गुना है तो यह आठवीं चीज मत करो और नवी चीज इन्ना खलकना कुम करी व उनसा ऐ लोगो हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया है व कबाइल अल्लाफू और तुम्हारी जो बिरादरियां और खानदान बनाए हैं इसलिए बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो तो बिरादरी की बुनियाद पर किसी को छोटा समझना किसी को बड़ा समझना यह झगड़े की नवी जड़ है अल्लाह फरमा फरमारा इन अक्रमकुम इन काम कोई बिरादरी कोई खानदान कोई कबीला अल्लाह की नजर में ऊंचा नहीं है अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वही है जिसके दिल में तकवा ये है नौ चीजें अगर हम इन नौ चीजों को अपना लें मुझे यकीन है कि खानदान के अंदर घरों के अंदर जो अख्तिलाफ हैं खत्म हो सकते हैं यह था छब्बीसवें पारे की तफीर का खुलासा अल्लाह तबारक से दुआ है ला इन तालीमात पर हम सबको अमल करने की तोफीकता फरमाए रब्बुल ला आलमीन हमें हर किस्म के बुखो हसद से की व कपट से हम सबकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत करने और उससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए अल्लाह हमें अपने रसूल सी की सच्ची पैरवी करने और इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए आज इस ताक रात में इस मुबारक रात में अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे अल्लाह हमारी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए अल्लाह हमारी बीमारियों से शफा दे दे अल्लाह हमारी मुसीबतों और तकलीफों को दूर फरमा दे जितने कर्जदार हैं उनके कर्जों को अल्लाह तला आसान कर दे जितने लोग शादीशुदा हैं औलाद से महरूम हैं अल्लाह उनको नेक और औलाद अता फरमाए जो औलाद वाले हैं अल्लाह उनकी औलादों को नेक बनाए अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लाम पर चलने की अता फरमाए अल्लाह हमारी माओ बहनों को शर्म हया और इस्लामी हदूद और दायरे के अंदर रहने की तोफ़ी फरमाए अल्लाह हम सबको अपनी ज़त आबरू की हिफाजत करने की अता फरमाए अल्लाह हमारे ईमान को महफूज रखे अल्लाह हमारे जानो माल को महफूज रखे अल्लाह इस मुबारक महीने की इस मुबारक रात में

नबी का पाक शहर और तेरा पाक शहर मक्का और मदीना भी आज दुश्मनों के गलत निगाहों का शिकार हो रहा है अल्लाह इन दोनों शहरों की तू हिफाजत फरमा अल्लाह तो मक्का और मदीना की हिफाजत फरमा अयल्ला तो बैतुलमक़दस को यहूदियों के कब्ज़े से छुड़ा दे अल्लाह तो बैतलम़दस में हम सब को हम सब को ज़िंदगी में एक बार कम से कम दो रकात नमाज अदा करने की तौफीक तोफ़ीकतः फरमा अल्लाह हमें ज़िंदगी में एक बार कम से कम हज बैतुल्लाह करने की तौफीक तोफ़ीतः फरमा अल्लाह हमारे रोज़ों को हमारी तरावी को हमारी जुमला इबादत को कबूल फरमा अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो आमीन रब्बिल आलमीन